नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपैरिजन के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन लेके आए हैं टाटा पंच और वैगन आर के बीच में। दोस्तों ये दोनों गाड़ियों के बीच में कंपेयर करेंगे और देखते हैं क्या पंच वैगन आर को टक्कर दे पाती है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। और चलिए सबसे पहले हम डिज़ाइन के साथ शुरुआत करेंगे। टाटा पंच, इस गाड़ी को दोस्तों मिनी एसयूवी डिज़ाइन पर रखा गया है, जहाँ पर जिसका प्लेटफॉर्म है वो है अल्फा आर्क आर्किटेक्चर और ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर एल्ट्रोस को बनाया गया है और इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ है वैगन आर, इस गाड़ी को बनाया गया है हॉटेक प्लेटफॉर्म पर और ये गाड़ी टॉल बॉय हैचबैक डिज़ाइन गाड़ी के अंडर सेगमेंट में आती है। और डिज़ाइन वाइज कौन सी गाड़ी आपको खूबसूरत लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करेंगे डायमेंशन की, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस मामले में जो पंच है वो वैगन आर के मुकाबले 172 mm ज़्यादा लंबी है। चौड़ाई के मामले में जो टाटा पंच है वो 122 mm ज़्यादा चौड़ी है। और अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई की नज़र से एज अ टॉल बॉय कार वैगन आर इसमें 60 mm की ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलेगी। बूट स्पेसेस की बात की जाए तो टाटा पंच के अंदर आपको देखने को मिलता है 366 लीटर का बूट स्पेस और वैगन आर में देखने को मिलता है 341 लीटर का बूट स्पेस। अब जो यहाँ पर पंच है इसके अंदर आपको 25 लीटर का एक्स्ट्रा बूट स्पेस देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो टाटा पंच में दिया गया है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और वैगन आर में दिया गया है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। व्हील बेस की बात करूं तो जो टाटा पंच है इसके अंदर आपको 2445 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है और वैगन आर में 2435 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, मतलब कि जो पंच में 10 mm का एक्स्ट्रा व्हील बेस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इंजन के मामले में। इंजन के मामले में टाटा पंच वन इंजन आपको ऑफर करती है जो है 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन। ये जो इंजन है ये 3 सिलेंडर का इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 84 bhp का विद टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। गाड़ी में दो प्रकार के ड्राइविंग मोड्स, 5 स्पीड का मैनुअल, 5 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और प्लस इसमें कंपनी ने इस बार ट्रैक्शन प्रो मोड को भी एक्टिवेट किया है, जहां पर ये खराब से खराब रास्तों पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। और इतना ही नहीं, इसमें 370 mm का वाटर ग्लेडलिंग कैपेसिटी भी देखने को मिलता है, मतलब ये बाढ़ के पानी में भी चल सकती है गाड़ी। साथ ही साथ गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। वही बात करूँ वैगन आर की तो वैगन आर में आपको 3 प्रकार के इंजन उपलब्ध हैं। पहले इंजन की बात करेंगे तो वो है दोस्तों 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यह जो इंजन है वो पावर जनरेट करता है 67 bhp का विद टॉर्क ऑफ 90 Nm टॉर्क। गाड़ी में 5 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। दूसरा है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन। यह इंजन थोड़ा सा रिफाइंड है 3 सिलेंडर के मुकाबले। यह जो इंजन पावर जनरेट करता है वो है 81 bhp का विद टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। गाड़ी में 5 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाता है। वैगन आर के अंदर आपको एक CNG वेरिएंट भी मिलता है देखने को, जहां पर 1 लीटर का CNG इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। यह इंजन 58 bhp का पावर आउटपुट जनरेट करती है 78 Nm के टॉर्क के साथ। अगर हम बात करते हैं इंजन वेरिएशन की तो आपको वैगन आर में काफ़ी अच्छा इंजन वेराइटी देखने को मिल जाता है, जबकि पंच में एक इंजन दिया गया है। लेकिन टाटा पंच का एक इंजन ही वैगन आर के तीनों इंजन के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वैगन आर में एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो अच्छा चीज़ है, ये है कि वैगन आर में आपको CNG मॉडल देखने को मिल रहा है जो कि कंपनी फिटेड आता है। अब बात करते हैं वैल्यू की, मतलब माइलेज कितना कौन निकाल देता है। दोस्तों माइलेज की बात करूँ तो जो टाटा पंच है ये करीबन 17 से लेके 22 तक का माइलेज निकाल देती है इन डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स। और वैगन आर की बात करूँ तो पेट्रोल पे ये गाड़ी करीबन 18 से 22 तक का माइलेज निकाल देती है और CNG बात करूँ तो बहुत कमाल की माइलेज निकालती है, करीबन 28 से लेकर 32 किलोमीटर तक का माइलेज काफ़ी आराम के साथ निकाल सकती है। तो वैगन आर का ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है कि इसमें CNG ऑप्शन आ रहा है। हालांकि आज के बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों में लोग पेट्रोल गाड़ी को न प्रेफर करके CNG की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी टाटा मोटर्स की टीम की तरफ से कि अगर आप हो सके तो टाटा पंच का CNG वेरिएंट भी लॉन्च करें। दोस्तों उसकी वजह दो हो जाए, पहली बात तो टाटा पंच इतनी आकर्षक गाड़ी है और अगर इसमें कंपनी को कंपनी फिटेड CNG मिल जाएगा लोगों को जो कि करीबन 25 से 30 का माइलेज निकाल देगी तो लोग एक सुरक्षित गाड़ी लेना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और इसमें आपको सेफ्टी भी देखने को मिल जाएगी। खैर अभी जो सिनेरियो है वो कुछ इस प्रकार से है। बात करेंगे दोस्तों इन्फोटेनमेंट्स की। इन्फोटेनमेंट के मामले में टाटा पंच में दिया गया है 7 इंच का हारमान का इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स और IR कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है जो एल्ट्रोस में दिया गया है। बात करता हूँ वैगन आर की, वैगन आर में दोस्तों 7 इंच का टच सिस्टम आता है जो कि एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन और 2 स्पीकर के साथ आती है।
आप ये वाली, अगर मैं नेविगेशन की बात कर रहा हूँ तो कौन सी गाड़ी का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो टाटा पंच का इंटीरियर ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। वैसे दोस्तों वैगन आर की भी इंटीरियर बहुत अच्छी लगती है देखने में। सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी के नज़रिए से दोस्तों यहां पर कोई सवाल नहीं है। जो टाटा पंच को बनाया गया अल्फा आर्क आर्किटेक्चर पर, और ये गाड़ी जब भी सेफ्टी टेस्ट में जाएगी तो मैक्सिमम 4 से लेकर 5 स्टार तो आने ही है इसकी। वैगन आर की बात की जाए तो वैगन आर को दोस्तों मिले हैं 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, जो कि ठीक ठाक है। ना ज़्यादा हम इसे बेहतर कर सकते हैं ना ज़्यादा हम इसे बुरा कह सकते हैं, तो ठीक ठाक है। बाकी जो बेसिक फीचर होते हैं ABS, EBD, 2 एयरबैग्स, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, रियर पार्किंग कैमरास दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग्स की बात की जाए तो डिस्क प्लस ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग के मामले में अगर हम बात कर लें तो टाटा पंच का भी कुछ ऑफिशियल प्राइसिंग सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो हम कर रहे हैं वो है 5 से 8 लाख रुपीज़ के बीच में इसकी प्राइसिंग हो सकती है कहीं ना कहीं। और गाड़ी में 6 मॉडल्स को उतारा गया है जहाँ पर हम इसका नाम पढ़ सकते हैं। वही मैं बात करता हूँ वैगन आर की, तो वैगन आर में दोस्तों आपको पेट्रोल और CNG दोनों प्रकार के इंजन ऑप्शन उपलब्ध हैं। गाड़ी की जो कीमत शुरू होती है वो 4 लाख रुपये से शुरू होती है और 7 लाख रुपये में आपको टॉप एंड वेरियंट देखने को मिल जाता है मार्केट में। यह अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल जानना हो कि कितने मॉडल्स आते हैं तो वो वाला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाके आप खोल के देख सकते हैं। तो ओवरऑल आज की वीडियो में अगर हम कम जानना चाहें वैगन आर या टाटा पंच कौन सी गाड़ी बेहतर है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो उस मामले में मुझे टाटा पंच ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। बाकी कुछ लोगों को वैगन आर भी अच्छा लग सकता है, आपको कौन सा पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरी बात, मैं इंजन की बात करूं तो किसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है, तो इस मामले में भी टाटा पंच ही आगे निकल रहा है। प्लस इसमें क्रूज कंट्रोल और 2 ड्राइविंग मोड और ट्रैक्शन प्रो मोड को भी इस बार ऐड किया गया है, इसलिए यहाँ पर टाटा पंच ज़्यादा बेहतर है। बाकी माइलेज की बात कर रहा हूँ तो वैगन आर का माइलेज जो CNG में है वो काफ़ी अपीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो माइलेज के सेक्शन में ये कहूँगा, अगर आपको ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी चाहिए तो आप वैगन आर की CNG की तरफ जाइएगा। बाकी अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आप पंच या वैगन आर दोनों में से कोई भी एक गाड़ी उठा सकते हैं, बहुत अच्छा माइलेज निकाल देगी। इंफोटेनमेंट्स की बात करूँ तो दोनों गाड़ी में काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट्स देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पंच का इंटीरियर है बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरी तरफ वैगन आर की भी इंटीरियर काफ़ी क्लीन एंड काफ़ी क्लासी फिनिश दी गई है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी में नो डाउट यहाँ पर टाटा पंच काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी सेफ्टी के मैटर में। तो यहाँ पर आप क्लियर हो चुके होंगे कौन सी गाड़ी है बेहतर, आपको कौन सी गाड़ी इस कंपैरिजन के आधार पर ज़्यादा अच्छी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी ऑल वेरिएंट डिटेल कंपैरिजन की, तो आगे आने वाले समय में आपको सारी वेरिएंट के बीच में आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। और ऐसी और वीडियोज़ को, ऑटो कंपैरिजन को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।